हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज ऐसी कार ले गए मारुति सुजुकी की, आपने वैसे थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, लेकिन इसमें भाई उस टाइम पे आता था 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन जो निकालता था भाई 191 BHP और 113 Nm का टॉर्क। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वो गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इसमें 2016 मॉडल है ये, और इसमें कुछ इस तरीके की चाबी आती थी, कीलेस एंट्री इसमें मिल जाती थी, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक हम इस चाबी से ही कर सकते थे। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर जो है पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड मिल जाता था हमें। तो अभी कार के आगे से हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो है ना ड्यूअल बैरल जो है सेटअप आता था, एक इसमें प्रोजेक्टर मिलता था, ऊपर इंडिकेटर आता है, और ये हैलोजन बेस इसमें जो है लाइट मिलती है। इसमें हमने LED लगवा रखी है, उसकी थोड़ी जो एडजस्टमेंट नहीं हुई है अभी। नीचे इसमें फोग लाइट आ जाती थी। साइड में इसमें मिलते थे मारुति के जेन्युइन अलॉय, जिसकी प्रोफाइल है 195/55R16, मतलब 16 इंच के अलॉय भी लाते थे उस टाइम पे। और VVT जो है इसका मतलब वेरिएंट हो जाता है। ये जो है साइड में हम वाइड में आते थे, ग्लोस बैक हमें अभी करवाए हैं। बाद भैया हूँ बिल्कुल इसकी साइड प्रोफाइल में, तो इसमें नीचे मिल जाती थी हमें रबर की स्ट्रिप्स, जिसके पीछे हमें क्रोम एलिमेंट मिलता था, और इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी हमें क्रोम में मिलते थे। ठीक है, पीछे फ्यूल लीड आ जाती है, पेट्रोल इंजन है ये। इसके बाद पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ हमें मिलती थी इसकी टेल लाइट, जिसमें रिवर्स लाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट हमें मिल जाती थी। इसमें जो है पार्किंग लाइट भी ऑन रहती है। सुजुकी का लोगो भाई डी क्रोम करवा रखा है, ये जो स्ट्रिप आती है ये भी डी क्रोम करवा रखी है। ठीक है, पीछे हमें मिल जाते थे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक कैमरा मिल जाता था हमें यहाँ नीचे की साइड में, ये साइड में इधर, और नीचे मिल जाते थे भाई इसमें हमें रिफ्लेक्टर। इस साइड से चल के अभी हम आपको इसका जो है इंजन वे भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से इसका बोनेट जो है वो खुल जाता था ऐसे खींच के इसको। तो भाई ये आता है इसमें मारुति सुजुकी का जो है 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन, और ये भाई ने जो है ऑन के स्विच वगैरह लगवा रखे हैं यहाँ पे। ये इसका आ जाता है बोनेट ओपन का, वो जो मीटर में जो लाइट आती है उसके लिए। यह आ जाता है इसका मतलब जो वॉशर फ्लूड होता है वो फिल करने के लिए। इंजन ऑयल वगैरह सारा यहीं से डल जाता है, यहाँ से आप इंजन ऑयल जो है चेक कर सकते हो। बैटरी आ जाती है भाई इसमें, ज़्यादा बड़ा साइज तो नहीं है लेकिन ठीक आ जाती है कार के हिसाब से बैटरी। और ये एंटीना जो है भाई VIP वाला, ये भाई ने बाहर से लगवा रखा है इसमें। तो इसको बोनट को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इसमें मतलब मारुति ना थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम देती है ऐसे जाके इसमें लग के। ठीक है, अब इसको नीचे कर देते हैं। और भाई ये ग्रिल जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब लुक काफ़ी भाई ने जो है एनहांस कर रखा है इसका, डी क्रोम करवा के ग्रिल को, तो कार का कुछ ऐसे आगे से लुक आता है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। भाई ऐसा कुछ इसका जो है डोर पैनल आता था, जिसमें चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक और यहाँ से विंडो लॉक कर सकते थे, और भी हम जो आप अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते थे, और एडजस्ट भी यहीं से हो जाता था। क्रोम में जो है डोर ओपनर आता था, और नीचे बोतल होल्डर के साथ में एक डोर में पॉकेट आ जाती थी। ये जो मटेरियल है ये आपको सॉफ्ट टच में मिलता था यहाँ, और ये जो है यहाँ पे आपको मतलब वुडन सी और ग्लोस में मतलब ग्लोस वुडन टाइप की जो ये है ये एलिमेंट मिलता था। अंदर आके अभी जो है कार को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चाबी को रखने की जगह यहाँ दे रखी है कंपनी ने। इससे यहाँ से ऑन हो जाता था इसका। तो भाई अब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। जैसे इसमें जो है ना स्टेयरिंग कंट्रोल आ जाते थे, म्यूट मोड, ये जो सोर्स वगैरह होते हैं यहाँ से चेंज कर सकते थे, वॉल्यूम यहाँ से हम। ऐसा जो इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है, मतलब अच्छा लंबा चौड़ा जो है डैशबोर्ड आता है इसके अंदर। यहाँ इसमें आ जाता था हैजार्ड स्विच, एसी वेंट मिल जाते थे आपको 4, 1, 2, 3, 4 एसी वेंट जो आपको पीछे मिल जाते थे यहाँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मीटर की बात करते तो इधर आती थी हमारा फ्यूल गोज, फिर आता था स्पीडोमीटर, फिर आता था ये MID छोटी सी, ये टैकोमीटर आता था, और उधर आती थी हीट वाली, मतलब हीट कितनी हो रखी है कार। तो ये जो है MID के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलते थे इसमें, एवरेज रेंज, और ये जो है इनिशियल एवरेज बताता था, और इससे जो है ट्रिप है ट्रिप भी रीसेट हो जाती थी। तो अब इसको एवरेज पे कर देते हैं। तो ये एवरेज जो है ये लोकल की दिखा रही है इसमें 12.3, मतलब पेट्रोल कार 12.3 की एवरेज दे रही है वो भी लोकल में, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। भाई सेंटर कंसोल की साइड तो इसमें आता था एक टच स्क्रीन, ये 7 इंचेस का टच स्क्रीन आता था। इसके नीचे आपको मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता था, जो अगर आप इसको ऑटो पे करोगे टेम्परेचर सेट करके, तो अपने फैन स्पीड बढ़ा के और इसको उस टेम्परेचर को मेनटेन करेगा। इसको बंद कर देते हैं, फैन स्पीड कम कर देते हैं। और भाई ऐसा कुछ मतलब डैशबोर्ड आता था, ये जो है पूरी वुडन स्ट्रिप आपको वहाँ तक मिल जाती थी। इधर आती थी एक पावर विंडो, नीचे जो है बोतल होल्डर, साथ में एक डोर हैंडल आ जाता था, और आपको जो है ऑटोमेटिक इसके अंदर IRVM मिल जाता था, जो आज की कंपनियां बिल्कुल भी मतलब प्रोवाइड नहीं करती अपनी कार में। इधर में मिल जाता था टिकट होल्डर, और इस साइड में मिल जाता था एक वैनिटी मिरर इसके अंदर। इसके बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ में मिल जाता है सनग्लास होल्डर, ठीक है, और यहाँ मिल जाती है हमें LED लाइट्स दोनों साइड में, ठीक है, ये हमें माइक मिल जाता है, और ये जो है लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं हमें यहाँ से। इसमें मिल जाता है हमें ग्लोव बॉक्स, जो कि मतलब एक डिसेंट साइज का, इसके अंदर LED वगैरह रखी हुई है, और स्पेस भी हमें जो है इसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है।
भाई अगर नीचे की साइड आते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे जो है एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता था, जिसमें दो कप होल्डर आ जाते हैं, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, एक यूएसबी है और एक हमें ऑक्स की केबल लगाने का इनपुट मिल जाता है। फिर आता है इसका गियर नॉब, जो कि अब मतलब थोड़ा सा टूट चुका है तो इसको जल्दी चेंज कराएंगे। कप होल्डर के बाद गियर नॉब, गियर नॉब के बाद यहाँ में मिल जाती थी भाई छोटी सी स्पेस, मतलब जो प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ आ जाता था हमारा हैंड रेस्ट, जो कि वहीं मारुति प्रोवाइड करती थी। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी जो है स्पेस देखने को मिल जाती है। एक फीचर मेरे को जो इस कार में बहुत यूनिक लगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक पुल का बटन दे रखा है, तो इसको अगर हम पुल करते हैं तो सीट बेल्ट या हम हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये ड्राइवर साइड होने के बाद भी और यहाँ से जो आप पैसेंजर साइड में भी जो आपको ये सेम चीज मिल जाती है, जिसको हम यहाँ से पुल करके इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को मारुति। गियरिंग की बात करें तो हमें नीचे यहाँ पे जो है फोन वगैरह उठाने और काटने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये इसका वॉइस असिस्ट भी आ जाता है इसके अंदर, और इसमें हमें जो है सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हमें नहीं मिलता है इसके अंदर। स्टीयरिंग के अगर राइट साइड में देखे तो हमें यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के थे, और एक हेडलाइट लेवलर भी जो है हमें यहाँ मिल जाता था। तो भाई ये जो सेंटर में बटन दिख रहा है आपको ये वाला, ये हमें मिलता था फॉग लाइट का। यहाँ से जैसे हम यहाँ से इसकी हेडलाइट ऑन करेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट पे करेंगे, और इसके बाद ये देख सकते हैं अभी ऑन हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। ये आ जाता है हेडलाइट लेवलर भाई हमारा यहाँ पे, ये छोटा सा स्पेस मैंने आपको दिखाई दिया है। तो भाई जैसे हम पिछली साइड आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर हम इसको पीछे भी कर देते हैं, मतलब देख सकते हो कोई इतनी पीछे तो सीट को नहीं करेगा, तो ये आप देख सकते हो मतलब ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। इसको हम और आगे कर देंगे तो बहुत अच्छा जो है इसमें हमें स्पेस मिल जाएगा। पीछे में मिल जाता है एसी वेंट, जिसके साथ आ जाते हैं यहाँ पे ब्लोअर एडजस्ट भी कर सकते हैं, और भाई ये नीचे भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है। ऐसी कुछ पीछे की सीट्स हैं, मतलब सीट बेल्ट वगैरह फुल प्रोवाइड कर रखी है ने। और ये ऊपर जो हमें एक ब्लाइंड भी देखने को मिल जाता है जो कंपनी की तरफ से आता है। ठीक है भाई, ये जो क्वार्टर पैनल से इन पे हमने फिल्म चढ़वा रखी है, और ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक लीवर मिल जाता है हमें सीट को रिक्लाइन करने के लिए, मतलब अगर सीट यहाँ से हमें हटानी है तो इस लीवर को हम पुल करेंगे और सीट जो है आगे की साइड में आ जाएगी। तो ये ऐसा कुछ दिखता है इसका डैशबोर्ड यहाँ से। इसमें पीछे की साइड जो हमें यहाँ पे रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और जो सीट के सेंटर में हमें एक आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसके साथ हमें दो कप होल्डर भी मिल जाते हैं। भाई ये थी आज की वीडियो मारुति सियाज के ऊपर। तो भाई मेरे को तो एक कार जो है अपने प्राइस सेगमेंट में, मतलब उस टाइम पे 2016 के टाइम पे बहुत अच्छी कार लगी मेरे को। आज के टाइम पे भी कुछ इसमें ऐसे फीचर है जो अब की जो कार है उनमें भी नहीं आते। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सबसे ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।